हाय एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप आप खुश होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे <laughs> मुझे बहुत कोई हैप्पी लग रहा है बहुत ज़्यादा अभी खुश लग रहा है इस टाइम पे ओके okay. <laughs> पता नहीं क्यों आजकल स्टार्टिंग में मुझे इंट्यूशन आने लगते हैं आप लोगों के जरिए ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत मतलब वेट कर रहा था ओके रीडिंग के लिए तो ओके मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कमेंट्स देने के लिए और मुझे इतना भर भर के पॉजिटिविटी और मुझे प्यार देने के लिए ओके okay, और आज मैं फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और रीडिंग का थीम है कि आपके ईश्वर आपको किस रूप में मिलेंगे ओके okay, अब देखो ईश्वर का कोई रूप नहीं होता सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर ही बता देती हूँ <laughs> मैं खुद रूप बोल रही हूँ और मैं ये बोल रही हूँ कि कोई रूप नहीं होता है लेकिन हाँ मैं वो वहाँ पर ये भी बताऊँगी आपको कि कौन सा जरिया है कि उस जरिए से आप अपने प्रभु से अपने ईश्वर से आप उनकी प्राप्ति कर सकते हो ओके okay, तो मेरा रीडिंग का थीम यही है अब देखो ये आ, रूप कह लो इसको या भाव कह लो मतलब कोई आ, किसी तरीके से ईश्वर को प्राप्त करता है कोई भाव के जरिए कोई भक्ति के जरिए कोई कर्म के जरिए ओके okay? तो यहाँ पर मेरा रीडिंग का थीम यही है कि किस रूप में आप अपने ईश्वर को प्राप्त करोगे ओके okay. किस रूप में वो आपके सामने आएंगे रूप मतलब ये नहीं कि उनका कोई रूप होगा कि कभी किस रूप में आ गए कभी किस रूप में आ गए वो आपके कौन से ऐसे ऐसे चीजें होंगी या ऐसे कर्म होंगी ऐसे भाव होंगे ऐसी भक्ति होगी और उसके जरिए आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी किस जरिए आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी अगर क्लियर लाइन में मैं कहूँ आपको तो ओके okay, तो मेरा रीडिंग का थीम आज का यही है और ये टाइमलेस रीडिंग है जनरल रीडिंग है इसलिए आप प्लीज़ अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज लेना अपने आप को पहली बात तो मैं हमेशा बोलती हूँ ओपन रखना है अपने आप को क्योंकि टाइम मैसेज ऐसे आ जाते हैं कि मैं भी शौक हो जाती हूँ वहाँ पर ओके okay, तो कहते हैं ना ओपनली होके ज़्यादा किसी चीज़ में अपने आप को फंसाने की या घुसाने की कोशिश नहीं करना जो चीज़ हम लाइटली ले सकते हैं उसमें अपने आप को बर्डन किस लिए डालना ओके तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ और इसका टाइम स्पेंड टाइम स्पेंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेंशन कर दूँगी ओके और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है वहीं से आप देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो भी व्यू रेप्लाई करके वो बीच में रुक जाते हैं फिर पता नहीं कहाँ से आ जाती है एकदम भीड़ तो की भीड़ झुंड का झुंड आता है और पूरे कमेंट सेक्शन को भर के चला जाता है वो ओके तो वहाँ से अवेयर रहें आप ओके और मेरे न्यू चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर रखा है वहीं से आपको प्लीज़ सब्सक्राइब करना है मेरे को बार बार वो गाना याद आता है इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता ओके तो मैं वहाँ पर मतलब एक अपनी खुद की लैंग्वेज जो जिस तरह से मैं यहाँ पर रीडिंग करती हूँ मेरी खुद की एक्सपीरियंस लैंग्वेज मैं वहाँ पर बिल्कुल सिंपली उसमें वहाँ पर शेयर करूँगी ओके तो चलते हैं हाँ मैं रीडिंग कार्ड्स में बता देती हूँ आपको ये है पाइल नंबर वन फूल पाइल नंबर वन द फूल ओके एंड पाइल नंबर टू है सक्सेस पाइल नंबर टू सक्सेस ओके तो मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया है यहाँ पे तो चलते हैं रीडिंग की तरफ हाई पाइल नंबर वन तो जिसने भी द फूल का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग में यहां पर स्टार्ट कर रही हूं और पाइल नंबर वन प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है ज़रूर क्योंकि आप काफ़ी मुझे कंफ्यूज से नज़र आ रहे हो अभी शायद किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे क्यों इतना आ, इस इस एनर्जीज में नहीं रहना है आपको ओके पाइल नंबर वन आ, इतना किसी डीपली जाने की इतनी ओवर में नहीं रहना है जिस काम के लिए आप सोच विचार कर रहे हो ना पाइल नंबर वन वो बहुत ईजी है आप खुद सोच सोच कर उसको डिफ़िकल्ट बना रहे हो इतना है नहीं वो बिल्कुल रिलैक्स पीस में रहो और उसका सॉल्यूशन आपको मिनटों में भी मिल सकता है ओके मुझे ये इंट्यूशन आया आपके लिए और पाइल नंबर वन प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो आप मुझे ऐसा आप करते नहीं हो ओके सब्सक्राइब तो कर रखा होगा आपने और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है वहीं से आपको देखना है और मेरे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना है आपको जाके <laughs> ओके और इस कार्ड से मैं बताऊं आपकी ईश्वर की प्राप्ति आपको ईश्वर किस उसमें प्राप्त होंगे किस जरिए से आपको उनकी प्राप्ति होगी यहाँ पर तो यहाँ पर मैं आपके लिए यही देखूँ कि आप है ना पता है पायल नंबर वन मुझे आ, आपके लिए ऐसा फील हो रहा है कि आप है ना आ, किसी आप बहुत ज्यादा शायद बर्डन में रहते हो या बहुत शायद जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर या कुछ ऐसा आपने अपने खुद के ऊपर ऐसा कहते हैं ना बोझ डाल के रखा हुआ है जिसके जरिए आप शायद एक्चुअल में हो कौन ये शायद आप अपने आप को जान ही नहीं पा रहे हो समझ ही नहीं पा रहे हो पायल नंबर वन आपको क्या करना है कि आपको मतलब ठीक है जिम्मेदारियाँ होती हैं हम बर्डन लेते हैं लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना लंबे तक चले जाते हो आप वहाँ पर किसी भी चीज़ को लंबा खींचने की जरूरत ही नहीं है ओके यहाँ पर आपको करना क्या है आपको मतलब जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे पीस में रहोगे शांति में रहोगे आप मतलब अब आप ये बोलोगे कि हम कैसे रह सकते इतना बर्डन होते हुए किसी भी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है तो कैसे हम रह सकते हैं तो माय डियर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि किसी भी चीज़ की चिंता करना ही नहीं है आपको टेंशन लेना ही नहीं है जहाँ आपने टेंशन ले लिया पाइल नंबर वन आपने वहाँ आप अपनी प्रॉब्लम खुद खड़ी कर रहे हो ओके आपको बिलीव है ना विश्वास है ना ईश्वर के ऊपर परमात्मा के ऊपर तो बस उसके ऊपर छोड़ दो ना आप क्योंकि कार्ड्स आपका यही बता रहा है जितना आप मगन रहोगे जितना खुश रहोगे आपकी प्रॉब्लम आपके रास्ते से यूं यूं मिनटों में निकल जाएंगी जहां आप उसको सोचने बैठ जाओगे ना वहां आप अपनी प्रॉब्लम को खुद पकड़ते हो आप ओके आपको मतलब यही बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ो ओके okay? किसी भी चीज में घेर घोट के अपने आपको रखने की जरूरत नहीं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे ना वो भी मतलब फ्री होके अः अपने आप को मतलब आजाद करना है बहुत सारी चीजों से आप आपको आजादी के लिए बोला जा रहा है कि बहुत हो चुका आपका आजाद करो अपने आप को ठीक है फील करो उन सब चीजों को जो जिस जरिए आप ईश्वर की प्राप्ति को कर सकते हो तो पाइल नंबर वन मुझे अभी आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है ओके okay, अब मैं देखती हूँ आपके लिए टेरो से कि टेरो क्या बताते हैं आपके लिए you, so देखो पायल नंबर वन जितना अगर हम ईश्वर क्या हमारी छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी ना अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते ईश्वर की बात तो छोड़ दो यहाँ पर ठीक है आप जितना ज्यादा मतलब खुद मगन रहना मस्ती में रहना कि हाँ बेफिक्रे होना कि एक कहते हैं ना कि आप है ना बहुत कुछ जानना चाहते हो समझना चाहते हो आगे बढ़ना चाहते हो तो वो आ, उन सब चीज़ों के ऊपर सोच विचार नहीं करना हाँ प्लानिंग करना है स्ट्रेटिटी बनाना है लेकिन वो नहीं करना है दबना नहीं है उन सब चीज़ों में बस निकल जाओ आप बेफिक्र होके निकल जाओ आप ओके okay. मैं यहाँ पर साधु संतों वाली भी एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर कि आप शायद बढ़ना चाहते हो डिसीजन लेना चाहते हो और आगे की तरफ कुछ करना चाहते हो तो वो करोगे आप okay? ओके वो होगा क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा है यहाँ पर ओके okay? तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ पर मुझे आपके लिए फाइल नंबर वन यही मैसेज मिल रहा है कि जितना ज्यादा आप अपनी सोल को खुश रखोगे आप खुश रहोगे जितना ज्यादा फ्री रखोगे आप अपने चीज़ आप को हर चीज से उतनी ही ज्यादा आप ईश्वर के नजदीक रहोगे ओके ओके पेज ऑफ पेंटिकल्स स्टार <laughs> एंड yes, बोल रही थी पाइल नंबर वन आपको इस कार्ड से यहां पर निकल गया आपका फोर ओ पैंटिकल्स इंटन टेक का लास्ट कार्ड इंट्यूशन का हाइप्रिस्टिस एंड सिक्स ऑफ वैंड ओके किसी से दूर हो आप ओके okay, तो यहाँ पर देखो ईश्वर आपको मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि किस ज़रिए आपको ईश्वर प्राप्त होंगे तो पायल नंबर वन मैं अगर बोल ना तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ यहाँ पर लेकिन शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ अपने आप से कि आपको कि यहाँ पर आपको ईश्वर किस रूप में प्राप्त होंगे किस ज़रिए से क्या करने से आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पायल नंबर वन कि जितना ज्यादा आप मतलब फ्री रहोगे जो कि मैंने इस कार्ड से भी यहाँ पर बताया आपको कि जितना ज़्यादा आप फ्री रहोगे उतनी ही ज्यादा आप मतलब आपके लिए टोटली यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको है ना ऐसी एक एक ऐसा स्थान या एक ऐसी जगह या एक ऐसा वातावरण या एक ऐसा माहौल चूज़ करने की ज़रूरत है या माहौल बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर सिर्फ आप फील कर सको कि हाँ यहाँ पर मुझे पॉजिटिविटी मिल रही है और यहीं से मुझे सब कुछ मिल सकता है आपको सबसे पहले तो है ना एक अपना कुछ डिसीज़न लेने होंगे आपको अपने ऊपर डिसीज़न लेना होगा और उसके ऊपर प्लस काम भी करना होगा क्यों क्योंकि मैं यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको कि आपको है ना सबसे ज्यादा तो आपको हीलिंग की जरूरत है ओके okay, हीलिंग की जरूरत है प्लस अपने आपको अपने ऊपर यहाँ पर काम करने की जरूरत है काम करने की जरूरत है यहां पर आपको जरूरत है ट्रांसफॉर्मेशन की चेंज की बदलाव की मुझे आ, मुझे जो यहाँ पर फील हो रहा है पैंट नंबर वन आपके लिए कि आप है ना बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो बहुत कुछ यहाँ पर एक कहते हैं ना कि जो मैंने इसमें बताया था आपको आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आ, आपके लिए एक आ, शायद सपनों की दुनिया में भी शायद आप सोच भी नहीं सकते हो ऐसा कुछ आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि जब वो कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ का हम डिसीज़न लेते हैं हम सबसे पहले तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अपनी एक चेंज करना है टोटली totally अपने आप को वो करना क्या है आपको अपने आप को एक बदलाव एक अपने खुद के अंदर बदलाव अब ये बदलाव मैं बाहरी दुनिया का नहीं देख रही हूँ पाइल नंबर वन ये बदलाव में आपकी इंटरनल ओके okay? आपका माइंड आपकी बॉडी आपकी सोल ये तीनों का एक अलाइनमेंट में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और आपका वो बैलेंस नहीं है मिस बैलेंस है आपका वो टोटल आपको बैलेंस यहाँ पर करने की ज़रूरत है जब आप अपनी ईश्वर की प्राप्ति को आप यहाँ पर ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हो अब वो कैसे कर सकते हो आप यहाँ पर जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करोगे अपने आप को चेंज करोगे इंटरनली मैं बता रही हूँ अपने माइंड को चेंज करोगे अपनी थिंकिंग को चेंज करोगे अपने विचारों के ऊपर काम करोगे यहाँ पर अपनी खुद की हीलिंग करोगे यहाँ पर तब जाकर आपको ऐसा फील होगा कि हाँ मैं ईश्वर के निकट हूँ मैं परमात्मा के निकट हूँ ओके अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे कहते हैं ना भौतिक सुख सुविधाएँ शायद मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी होते होंगे या फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी आपको होती होंगी जिसकी वजह से कहते हैं ना कि जो हम थ्री में रहते हैं अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि थ्री में रहते हैं तो हमें बिल्कुल इन सब चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए वो हम कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये हमारी नीड है हमारी ज़रूरतें हैं ठीक है यहाँ पर मतलब बिल्कुल ही वो उसमें साधु संतों वाली एनर्जी में जाना ओके वो जाना वो भी पॉसिबल नहीं होता है ठीक है वो फिर उनकी दुनिया अलग ही हो जाती है यहां पर लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा उन सब चीजों में अटके हुए रहते हो फंसे हुए हो डियर आप फंसे हुए हो आप जिसे आप अपनी ईश्वर की आपको ईश्वर कहाँ से कैसे प्राप्त होंगे वो जब तक आप अपने माइंड में अपना दिमाग चेंज नहीं करोगे उसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं लाओगे उसको क्लियर नहीं करोगे उसके अंदर चेंजेस नहीं लाओगे तब तक आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा नहीं बदलाव होगा टोटली आपको यहाँ पर बोलने बदलने के लिए अपने आप को बोला जा रहा है हीलिंग के लिए बोला जा रहा है आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए बोला जा रहा है ठीक है जब तक आप अपनी खुद की वो कहते हैं ना अपने आप को प्योर करना प्योर मीन्स अपनी एक हमारे जो ब्लॉकेज होते हैं ठीक है जो हम जिस चीज में हम फंसे हुए रहते हैं वो वो ब्लॉकेज होते हैं हमारे यहाँ पर ओके तो जब तक हम उन सब चीजों को क्लियर नहीं करेंगे उन सब चीजों को जानेंगे नहीं समझें देखो पैसा भी जरूरत होती है ठीक है लेकिन एक हद तक एक हद तक ही उन सब चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर देखो मैं मैं सबके लिए जरूरी नहीं है ठीक है किसी किसी को यहाँ पर परमात्मा हाँ ठीक है हाथ जोड़ लिया प्रेयर कर ली पुकार लिया बस ठीक है बस आशीर्वाद बना रहे ये, ये इतना भर होता है किसी किसी के लिए नहीं हमें उनका असली रूप देखना है हमें उनकी एनर्जी को फील करना है हमें जानना है समझना है कैसा रूप होता है उनका किस भाव से हमें वो मिलते हैं यहाँ पर तो उनके लिए यहाँ पर यही है कि वो आपको मिलेंगे ये तो डे दे, बिल्कुल डेफिनेटली पक्का है कि वो मिलेंगे आपको उनकी प्राप्ति भी होगी और किस रूप में मिलेंगे वो मिलेंगे डीए जब भी मिलेंगे कि जब आप अपने अंदर बदलाव लाओगे आप बिल्कुल आप अपने आप को चेंज कर दोगे यहाँ पर आपको हीलिंग की जरूरत है आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत है अपने आप को अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है तभी तभी जाकर आपकी जो इच्छाएं हैं जो विश हैं वो भी आपकी कंप्लीट होंगी यहाँ पर और बहुत कुछ चीज़ों को आप अचीव भी कर सकते हो और भगवान की प्राप्ति भी आपको तभी होगी यहाँ पर अब वो होगी कैसे भगवान की प्राप्ति आपको वो होगी कि जब आप भगवान की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे अपने आप को उनके लिए बदल दोगे टोटली बदलना है आपको ठीक है जब आप बदल दोगे उनके लिए तभी वो आपको अपनी तरफ यहाँ पर खींचेंगे पहले आप तो रेडी हो उनके लिए तभी वो आपको अपना हाथ देंगे ठीक है ईश्वर हमेशा कभी भी मना नहीं करते किसी के भी लिए भी लेकिन उन तक वही सोल वही एनर्जीज जा पाती है जो मतलब किसी चीज़ का उसको फिक्र नहीं होता है किसी चीज़ का बर्डन नहीं लेता है कोई मतलब किसी वो मतलब बिल्कुल मग्न है अपनी दुनिया में बेफिक्रा है वो एक साधु संत फकीर क्या होता है उसे उसे किसी बात की चिंता नहीं है वो किस कपड़ों में घूम रहा है या उसने क्या वो मतलब उसको नहीं है चिंता किसी भी बात की ठीक है कि दुनिया मुझे क्या बोलेगी मैं से घूम रहा हूँ मेरे पास कुछ नहीं है ना धन है ना दौलत है ना बीवी है ना बच्चा है कुछ नहीं है बस वही मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको साधु संतों वाली उसमें चले जाना है लेकिन एटलीस्ट आपको इतना तो करना है कि अपने अंदर जो भी ब्लॉकेज हैं जो भी जो भी नेगेटिविटी है उसको आपको कट करना है उसको रिलीज़ करना है जो ब्लॉकेज आपके हटेंगे और वो हटेंगे कि जब आप अपने आप को बैलेंस करोगे अपने ध्यान मेडिटेशन टोटली इस जब तक आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाओगे आध्यात्मिक यात्रा को स्टार्ट नहीं करोगे तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी आपको यहाँ पर और वो मिलेंगे आपको एक इसी रूप में मिलेंगे आप में एक बात बता दू पाइल नंबर वन अगर आप अपने ऊपर काम कर लेते हो अपने को बदल लेते हो तो, तो डेफिनेटली आपके वो कहते हैं ना <laughs> सातों स्टार आप स्टार की तरह शाइन करोगे आप बस आपको काम करना है अपने ऊपर यहाँ पर बेफिक्र हो जाओ किसी के बारे में कुछ सोच विचार मत करो मग्न हो जाओ किसी बात का टेंशन नहीं करना है आपको बस अपनी मस्ती में मस्त रहना अपने काम से काम रखना है अपने ऊपर काम करो और भगवान को प्राप्ति वो प्राप्त होंगे आपको वो आपको प्राप्त पता है कैसे होंगे मेडिटेशन के थ्रू ठीक है आप जब उनके लिए अपना दिन रात एक कर दोगे उनके लिए अपने आप को बदल दोगे अपनी हर चीज को जो भी आप चाहते हो इस थ्रीढ़ी की उसको बैक कर दोगे और जब आप ईश्वर को समर्पण कर दोगे ईश्वर को एक कहते हैं ना ईश्वर को समर्पण की एनर्जी सबसे बेस्ट एनर्जी होती है एक उनको अपने को, आप को उनके ऊपर सौंप देना ठीक है इस पर्सन को आप यहाँ पर ये स्टार का कार्ड देख रहे हो कैसा मतलब सरेंडर कर रखा है उसने अपने आप को सरेंडर की एनर्जी में हो जो कुछ कर रहा है बस कुदरत के लिए यहाँ पर कर रहा है उसको कुछ नहीं चाहिए इस दिन दुनिया से कहीं से भी कुछ भी नहीं क्योंकि ये आप, आपकी सोल है यहाँ पर ये यह। आपकी सोल का ये एक लाइफ पर्पस है कि उसको सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति चाहिए ईश्वर चाहिए उसको यहाँ पर और वो आप करोगे अभी नहीं कर पा रहे हो किसी किसी ने कर भी लिया होगा शायद अपने चक्रास के ऊपर काम करना मेडिटेशन करना ध्यान करना बैलेंस करना अपने आप को और उसके जरिए ही ईश्वर की प्राप्ति होगी यहाँ पर जब आप ईश्वर भी देखता है ना हमें कि ये बच्चा कितना मेरे मेरे प्यार के लिए मेरे प्रसाद के लिए कितना लगा हुआ है सब कुछ भूल चुका है ये दीन दुनिया में अपने आप को कितना बदल दिया है कितना चेंज कर लिया है इसने अपने आप को ठीक है ये ये कार्ड पता है स्पिरिचुअलिटी को बताता है हीलिंग को बताता है आत्मसमर्पण को बताता है यहाँ पर आपकी विश को कंप्लीट होने का बताता है यहाँ पर ठीक है बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पर सरेंडर की एनर्जी है यहाँ पर जब आप टोटली एक कहते हैं ना उनको उनको सौंप देना अब चाहे आपके साथ में कुछ भी हो ड मैटर कोई टेंशन ही नहीं है आपको तो वहाँ पर हो जाती है अपनी खुद का आत्मत्याग कर देना ओके okay, तो यहाँ पर वही है आपका माइंड माइंड में क्या चीजें चल रही हैं उसको बैलेंस कर लेना आपका दिल दिमाग एक ताल में आ जाना है यहाँ पर तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और जब हम कहते हैं ना कि जब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप या तो कर चुके हो या फिर आगे तरफ करोगे यहाँ पर ईश्वर की प्राप्ति तो डेफिनेटली आपको होनी ही होनी क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है नंबर ईश्वर आपको मिलेंगे यहां पर क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है सरेंडर की एनर्जी में बैठे हुए हो आप यहां पर ठीक है किसी किसी के लिए मैं यहां पर यही बता रही हूँ और आप ना इतने इतने बैलेंस होगे इतनी बैलेंसिंग एनर्जी में रहोगे आप कि आप फिर आपकी जो भी विषय वो कंप्लीट यहाँ पर होगी और ईश्वर की प्राप्ति भी होगी और ईश्वर मिलेंगे आपको आप ही के आप ही के अंदर जो बदलाव हुए हैं ठीक है आप जो काम कर रहे हो उनके लिए अपने आप को बदल रहे हो उनके लिए एक सरेंडर की एनर्जी में हो आप उसके जरिए ही आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी यहाँ पर उस रूप में आपको मिलेंगे ठीक है कहते हैं ना भक्ति में बहुत शक्ति होती है अब ये भक्ति में आ, उस टाइप की नहीं देख रही हूँ कि बैठ के घंटों पूजा करना है घंटों कुछ करना है वो नहीं है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन बदल रहे हो आप अपने आप को किसी बात की कोई टेंशन नहीं है फिक्र नहीं है बस लगे हुए हो यहाँ पर ओके क्योंकि अपने आप को बदलना है यहाँ पर शायद पता भी है आपको यहाँ पर ओके मैं यहाँ पर ओशो से लेती हूँ कि ईश्वर आपको मिलेंगे जब तक आप आध्यात्मिक उसमें नहीं जाओगे कदम नहीं रखोगे रख भी रहे हो आप कर रहे हो बहुत हीलिंग कर चुके हो बहुत भगवान की तरफ बढ़ चुके हो सरेंडर की एनर्जी में हो आप यहाँ पर ठीक है तब भी आप ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हो आपको ईश्वर पता है आपके ईश्वर किस रूप में आपके सामने रहते हैं वो बर्ड के रूप में आपको जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो ना अपने को बैलेंस करते हो यहाँ पर तब ईश्वर बर्ड के रूप में आपको देखते हैं कि किस तरीके से आप लगे हो कितना ध्यान है आपका अपने ऊपर कितना आप मेहनत कर रहे हो आप अपनी जर्नी के ऊपर थैंक थैंक यू यू सो मच टू आ रहे, okay, मैं लूंगी यहाँ पर सॉरी यस सफ्रेशन यस मैंने बोला ना आपको पाइल नंबर वन पास्ट लीव्स यहाँ पर देखो मैं हाँ पाइल नंबर वन में आपको यहाँ पे बता देती हूँ ये जो मैं बता रही थी ओवरथिंकिंग थिंकिंग सोच विचार 3डी में रहना पास्ट की चीज़ों के पास्ट के आ, पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो आ, उस एनर्जी से नहीं निकल पाना सप्रेशन की एनर्जी में थे आप यहाँ पर ठीक है और बहुत ज़्यादा आप अकेले में बैठना उदास रहना नर्वस रहना तो ये पता है क्यों था क्योंकि आपके चक्रास ब्लॉक थे आपको पता ही नहीं था कि मुझे कहाँ काम करना है कैसे करना है मुझे कुछ आपको रास्ता ही नहीं नजर आ रहा था ठीक है क्योंकि आप है ना शायद आप ऐसी ऐसी कहते हैं ना कि ऐसे कुछ हालात हमारे हो जाते हैं ऐसी दुविधा में हम रहते हैं या कुछ पास्ट में ऐसा कुछ हो चुका होता है हमारे साथ जिसकी वजह से हम आ, एक सेपरेशन में चले जाते हैं एक एक भयंकर ब्लॉकेज हमारा बन जाता है यहाँ पर उसी में अटक जाते हैं हम यहाँ पर जहाँ पर हमारी ना लाइफ की ग्रोथ होती है ना स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ होती है और फा, ना फाइनेंशियली ग्रोथ होती है किसी भी चीज़ की कोई ग्रोथ ही नहीं होती है तो यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ कि अगर आप अपने आप को या तो बदल चुके हो आपने अपने आप को बदल लिया है या नहीं किया है आप अपने ऊपर काम तो आपको आपको पता है क्या करना है आपको इस एनर्जी से निकलना है आपको आगे बढ़ना है अपने ऊपर काम करो ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो बदलना है अपने आप को चेंज करना है अपने आप को पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलना है अपने आप को एक बहुत ज़्यादा आप लो एनर्जी में हो तो आपको वो नहीं करना है ठीक है वो और आई थिंक शायद आप निकल चुके हो क्योंकि यहाँ पर ट्रेन आ चुका है आप कर रहे हो अपने ऊपर काम भी कर रहे हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने शायद उस एक फेस को उस फेस से उस साइकिल से निकल निकल लिए हो आप हर यहाँ पर ओके और क्योंकि पार, कार्ड पूरे क्लियर है यहाँ पर आपने मैं पायल नंबर वन में आपको यहाँ पर बताऊँ कि जैसे जैसे आप मतलब अपने ऊपर काम किया है ना अपने चक्रास को हील करा है मेडिटेशन करा है ध्यान करा है ईश्वर की प्राप्ति में आप लगे कि मुझे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए मुझे हर चीज़ से निकलना है बाहर मुझे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है हर चीज़ में मुझे ग्रोथ चाहिए हर चीज़ में मुझे सक्सेस चाहिए ठीक है तो वो मिल रही है आपको यहाँ पर जिस चीज़ के लिए भी आप दुखी थे परेशान थे मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ वाइज भी या फाइनेंशियली भी मनी से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा आपने शायद फेस करा है पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन भी देखी है आपने जहाँ पर आपको शायद ब्लॉकेज हुई थी एनर्जी फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं थी तो वो भी एक ब्लॉकेज था आपका स्परिचुअली में कोई स्परिचुअलिटी में कोई ग्रोथ नहीं थी तो वो भी आपका एक ब्लॉकेज था ठीक है ये कहते हैं ना कि हमारे कर्मास होते हैं तो यहाँ पर जब कहते हैं ना एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज बदलाव वो सब कुछ हुआ है आपके साथ यहाँ पर और प्लस फिर जब कहते हैं ना कि जब हमारे ब्लॉकेज हमारे जब चक्रास हील होते हैं एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं तो अब हमारी हर तरफ से ग्रोथ होती है यहां पर ओके तो आपके ईश्वर आपको आप जब स्पिरिचुअलिटी में बड़े हो और आपने मेडिटेशन ध्यान योगा आपने सब स्टार्ट किया है ना तभी से आप मतलब एक सरेंडर की एनर्जी में सरेंडर की एनर्जी में आता भी वही है जिसके चक्रास हील हो जाते हैं ठीक है बैलेंस हो जाते हैं यहाँ पर और फिर वो एक स्टार की तरह चमकने लगता है ठीक है तो एक जो समर्पण की एनर्जी में चला जाता है उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है यहाँ पर मतलब उसे किसी टाइप का फिक्र नहीं है कि वो क्या है उसके पास कैसा पहन रखा है क्या कर रहा है वो क्या खा रहा है नहीं उसको सिर्फ कहते हैं ना कि सिर्फ ईश्वर से ईश्वर के प्रेम अरे ईश्वर का प्रेम तो ऐसा होता है ना मैं बताती हूँ जिसने एक बार चख लिया ना अगर आप पायल नंबर वन अगर आप कभी डीप मेडिटेशन में गए होंगे मुझे नहीं पता कौन कौन कितना कितना गया है यहाँ पर अगर गए हो ना एक सेकंड के लिए भी गए हो तो उसके बराबर मतलब ये लगा लो कि आप ईश्वर को टच करके आ गए हो ठीक है डीप डीप मेडिटेशन की बात कर रही हूं मैं यहां पर उसके बराबर यहाँ पर थ्री में उसकी आनंद की प्राप्ति है ही नहीं ठीक है मैं यहाँ पर देखती हूँ लास्ट में मैं कृष्णा कार्ड्स भी लूंगी इसमें थैंक यू सो मच टू कार्ड्स आए हैं यहाँ पर ओके प्लान एंड सीड्स मेडिटेशन फॉर क्लियरिटी पॉइंट नंबर वन ये मतलब कहते हैं ना अपने कर्मास करना अपने कर्मों को ये पास्ट लाइफ कर्मा ठीक है आपने शायद अपने कर्मों को कहते हैं ना रिलीज करा आप किसी साइकिल से बाहर निकले हो किसी कार्मिक पेट पेटर्न से आप बाहर निकले हो ओके एक आप पहले शायद इस एनर्जीज में थे आपको कुछ भी नहीं पता था बहुत क्यों क्योंकि आपके आपका कुछ भी आ, आपके चक्रा ही नहीं थे ना आपका माइंड बॉडी सोल कोई भी सब इधर उधर बिखरा हुआ होना बस आप इतनी लो एनर्जी में थे लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे हम हम अपने ऊपर काम करने लगते हैं हम मेहनत करने लगते हैं और बस अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपके ईश्वर की प्राप्ति पता है कैसे होगी आपको सिर्फ आपको, आपने आपको चेंज करने में बदलने में और कर, और कर्मा करने में कर्म करने में अब वो कर्म क्या है भगवान के लिए कर्म यहाँ पर ठीक है अपने आप को एक ऐसी उसमें काम में तब्दील कर देना कि जहां पर अच्छे कर्म करना गुड कर्मास करना अच्छे काम में जैसे ये गर्ल कितना आ, मतलब इसको ये नहीं पता कि फसल में मैं आज यहाँ पर बीज डाल, डाल रही हूँ सीट्स डाल रही हूँ तो इसका ये कब पकेगी कब मैं काटूंगी कब मैं खाऊंगी इसको ठीक है इसका ये नहीं पता वो सिर्फ अपना पीसफुली अपनी मेहनत कर रही है अपना कर्मास कर रही है यहाँ पर तो यहाँ पर यही होता है कि ईश्वर की प्राप्ति आपको किस किस रूप में होगी कैसे होगी तो जब ये हम कर्म करते हैं और उसका फल हमें मिलता है ना तो एक्चुअल में हमें ईश्वर की प्राप्ति हमें तभी होती है देखो ईश्वर कहाँ मिलते हैं हमारे कर्मों में मिलते हैं हमारे भाव में मिलते हैं हमारी भक्ति में मिलते हैं ओके वो शायद अभी तक इस ये इस एनर्जी में थे और अब फिर वो जब कहते हैं ना कि जैसे जैसे हम परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो एक्चुअल में हमारा हमें करना क्या है उसके लिए हमें क्लियरिटी आ जाती है ठीक है तो जब हम क्लियर हो जाते हैं तो हम बहुत मेहनत से उस काम को करने में लग जाते हैं। ठीक है आपने बहुत किसी काम आपने शायद अपने ऊपर बहुत काम किया है मेहनत करी अपने आप को चेंज करा है बदला है यहां पर जो कि ये एक कहते हैं ना कि ईश्वर का ही एक संकेत था आपके लिए ओके मैं यहां पर अब लूंगी थैंक यू थैंक यू एंजल ईश्वर भी यही कहता है ना हमें मुझे प्राप्त करना है तो काम करो अपने ऊपर कर्मास करना है बैठने से उदास रहने से या रोने से धोने से मैं नहीं मिल जाऊँगा मुझे प्राप्त करना है मुझे पाना है तो कुछ करने की जरूरत है यहाँ पर ठीक है डायना फोकस इंटेंशन यस थिंक अबाउट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम ओके आपके लिए देखो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपका अपना एक गोल डिसाइड करना आपको क्या अचीव करना है ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद किया भी है आ, आपने अपना गोल डिसाइड किया था कि हाँ मुझे ये इसके ऊपर काम करना इस जर्नी के ऊपर काम करना और मुझे बहुत आगे तक यहाँ पर जाना है और आपके लिए बोल आगे के लिए भी यही बोला जा रहा है आपके लिए कि आपको चाहिए क्या ये सोचो पहले और सोच लिया है तो उसके ऊपर काम करो ठीक है और जब काम करना स्टार्ट कर दिया है तो अब ये सोचो कि ये मुझे प्राप्त हो चुका है और इसका आउटकम मुझे अच्छा मिलेगा ओके यहाँ पर जो आपकी जो आपने जो इंटेंशन रखी है ना उसके ऊपर आपको निगाहें गड़ा कर रखना है ठीक है मतलब भटकन अपने आप को भटकाना नहीं है किसी भी तरीके से देखो स्परिचुअलिटी भगवान की तरफ ईश्वर की तरफ जब हम एक बार चले जाते हैं ना डियर तो ये इसमें भटकन भी इतनी होती है ओके हम कभी ये सोचते दो दिन पूजा पाठ कर लिया दो तीन दिन, दिन मेडिटेशन कर लिया अपने आप को फिर सोचते आलस आ जाता है छोड़ो जाने दो नहीं, नहीं ये नहीं करना है ओके जो इंटेंशन है आपकी उस पर बस उसको उसको उसके ऊपर चलना है आपको और सोचना है कि हाँ जो मैंने सोचा है वो कंप्लीट जरूर होगा ओके सीक्रेट विजन ओके चूज फॉर यू इन टू हील द लाइन बस यहाँ पर देखो आपके लिए यही बोला जा रहा है कि मैं पहले आपको ये बता दूं कि आप है ना आपकी सोल किसी चीज में फंस के नहीं रहना चाहती है वो वो हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करना चाहती है सीखना चाहती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में आध्यात्मिक यात्रा में बहुत कुछ अचीव करना चाहती है और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना चाहती है और अभी भी कुछ ऐसा है जो आपको शायद आगे बढ़ने से शायद रोकता होगा ठीक है यहाँ पर मैं आपको एक बार बता दू कि अगर आप अपने ऊपर अपने पूरा काम कर लेते हो ना चेंज कर लेते हो तो आप आप इस्परिचुअलिटी में बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हो यहाँ पर ठीक है क्योंकि आपके अंदर बहुत प्योरिटी है बहुत सच्चाई है वो बात अलग है कि जब हम कर्मा कोई कर्मा में हम अटक जाते हैं तो हम सबसे पहले तो हमारा क्या ब्लॉकेज होता है हमारी स्परिचुअलिटी ब्लॉक हो जाती है वहाँ पर लेकिन स्टार्ट में वहीं पर होती है वो एक दीवार खड़ी हो जाती है ठीक है जितना ज़्यादा हम प्योर करेंगे ना वो दीवार धीरे 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 ढहने लगती है वो कम होने लगती है समझ रहे हो आप मेरी बात को तो यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है आपके अंदर बहुत प्योरिटी है बहुत सच्चाई है आपके अंदर आप आपके अंदर बहुत ज्यादा हीलिंग एनर्जी है यहाँ पर क्योंकि आपने अपने आप को बहुत हील कर चुके हो ठीक है एंड आपको सिर्फ आपको हक यही है कि आपको सिर्फ शब्दुर प्रकाश लाइट आपको फैलाने की ज़रूरत है आपको हमेशा ये याद रखना है कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती कोई बाउंड्रीज नहीं होती है यहाँ पर आप फुल मतलब आपके अंदर हीलिंग एनर्जी है उस हीलिंग एनर्जी को सब में बराबर बराबर आपको व्यतीत करना है सबको बराबर बराबर उसको देखना है किसी के साथ आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पर मैंने कम प्रेम देना है यहाँ पर ज़्यादा देना है या इसको ज़्यादा मानना है या इसको कम मानना है वो कम ज्यादा की एनर्जी नहीं है आपकी प्रेम क्या होता है प्रेम सबके लिए बराबर रखो जैसे ईश्वर हमारा करता है ना हमारे साथ उसी तरीके से आपके लिए भी, भी यही बोला जा रहा है आपको याद यही रखना है ठीक है प्रेम ही सत्य है प्रेम ही ईश्वर है तो यहां पर आपके लिए बोला जा रहा है कि कोई भी बाउंड्रीज आपको रोक नहीं सकती है आपको अपने आप से जानने के लिए ठीक है और लास्ट में मैं लूंगी यहाँ पर कृष्णा कार्ड थैंक यू कृष्णा थैंक यू सो मच थैंक यू जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण यहाँ पर लिखा हुआ है सुख की कुंजी है इच्छाओं में कमी माय <laughs> गॉड oh <my God. laughs> मैं आपको बोल रही हूं यहाँ पर डियर कि जितना ज्यादा आप थ्री में घूमोगे हाँ थ्री में क्या होगा आपकी एक विश कंप्लीट हुई आप दूसरी विश पे चले जाओगे दूसरी विश कंप्लीट हुई आप तीसरी पे चले जाओगे जब तक जीवित हो ना आपकी इच्छाएं कभी मरेंगी नहीं इसलिए मैंने बोला आपको कि ठीक है हमें यहाँ रहना है अर्थ पे रहना है लेकिन किसी में फंस के नहीं रहना है ठीक है विश है कंप्लीट हुई ठीक है नहीं हुई कोई बात नहीं है ठीक है ईश्वर ने ये नहीं दिया मुझे तो कुछ और देगा उसके बदले में और जो देगा वो बहुत अच्छा देगा ओके तो यहां पर इच्छाओं में अपनी विश में फंस के नहीं रहना है जहां आप फंस गए ना कि हाँ मेरी ये विश पूरी नहीं हुई मैंने तो ये मांगा था मेरा ये काम नहीं हुआ अब मैं क्या करू ये नहीं वो नहीं चलेगा यहां पर ओके <laughs> <के>, सॉरी <laughs> यहां पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि अगर अपने आप को खुश रखोगे ना खुश रखना है तो अपनी इच्छाओं को कम कर दो ठीक है ये देखो हमारे दुख होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है हमारी इच्छाएं, हमारी इच्छाएं पूर्ति होती रहती है तो हम खुश हो जाते हैं वो नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं ओके तो ये नहीं करना है आपको एंड सेकेंड कार्ड आपका निकला है हम इस दुनिया में खाली हाथ जाते हैं सॉरी खाली हाथ आते हैं इस दुनिया से खाली हाथ आते हैं दुनिया नाशवान है और जो इस दुनिया में आता है उसे एक दिन ज़रूर जाना है ओके ये कृष्णा जी के संदेश हैं आपके लिए कि ईश्वर आपको आ, देखो ईश्वर देखो भाव में होते हैं सबसे पहले आपके विचारों में होता है आपके विचार क्या बोलते हैं कैसे विचार हैं आपके यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि इस दुनिया में खाली हम आते हैं ठीक है हम कुछ लेके नहीं आते ऐसे ही हमें जाना भी है ठीक है यहाँ पर दुनिया इस दुनिया में ये नाशवान है ठीक है हम लेसन लेने आए हैं लेसन लर्न करके चले जाएंगे, जैसे बच्चा स्कूल जाता है सीख कर वापस आ जाता है ना ये वहाँ पर एक राजेश खन्ना की एक मूवी है ना ये दुनिया एक रंगमंच है तो यहाँ पर हम वही करने आए हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर फंसो मत थ्री में नहीं फंसना है आपको और ना ही अपनी उसमें कि हाँ मेरी ये विश अपनी इच्छाओं को कम कर दो अपने आप देखो कैसा अनुभव होता है आपको बस चलो ठीक है कृष्णा जी का नाम लेकर तो पाइल नंबर वन ये थी आपकी रीडिंग आई होप आपसे रेजोनेट हो अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा राधे राधे एंड बाय हाय पाइल नंबर टू तो जिसने भी ये सक्सेस का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ और पाइल नंबर टू प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है वहीं से आप देख सकते हो और मेरे न्यू चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लीज़ उसको जाके सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको ओके okay, और आपकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ की प्राप्ति आपको किस रूप में होगी ओके यस, सक्सेस। यहाँ पर देखो नंबर आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको है ना मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ यहाँ पर प्राप्त हो चुका है मिल चुका है आपको एक कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन एक हमारा अंदरूनी सेटिस्फेक्शन जो हमारी जो सोल चाहती है हमारी जो डिज़ायर होती है हमें कहाँ पर रुकना है एक्चुअल में हमारा जो होता है ना फुल स्टॉप के हाँ आपने शायद एक गोल रखा था और कि मुझे ये यह यहाँ तक जाना है और इस चीज़ में मुझे सक्सेस चाहिए या आ, किसी भी चीज़ फील्ड में आप यहाँ पर ले लो लेकिन रीडिंग अतिम मेरा यही है कि ईश्वर की प्राप्ति तो आपको शायद मिली है ओके okay, शायद नहीं मैं श्योर कह सकती हूँ आपको प्राप्त हुआ है यहाँ पर ठीक है क्योंकि आप है ना मैं आपकी एनर्जी ऐसी देख रही हूँ पाइल नंबर टू कि आप है ना आ, अपनी आ, अपने बारे में कुछ जान गए हो कुछ समझ गए हो जिसको लेकर आप बहुत आ, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो और सक्सेस की तरफ यहाँ पर जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो और प्लस आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसी अजीब सी या कुछ ऐसी अचानक ऐसी स्ट्रेंथ आई हाँ है ऐसी एनर्जीज आई हैं आपके अंदर जो आपको बिल्कुल बदल के रख दिया है जिसको जिसको लेकर आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद अकेले में भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हो या खुश रहते हो आप वो कहते हैं ना अकेले का बादशाह ओके आप शायद अपने आप को किसी से किसी से कंपेरिजन नहीं कर रहे हो आपके पास जो है उसमें आप खुश हो सेटिस्फेक्शन है आपको और यही यही चीज हमें ईश्वर से जोड़ती है। जरूरी नहीं है कि हमें ईश्वर साक्षात हमें नजर आएंगे जब जब हमारी आत्मा जब संतुष्ट हो जाती, उसकी हो जाती है तो समझ लो वो भटकन खत्म है और वहीं पे वहीं पे क्या हो जाता है वहीं पे हम संतुष्ट हो जाते हैं हमें पीस में चले जाते हैं हम शांति में चले जाते हैं और फिर वहीं पर हमें ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कुछ मिल चुका है किसी का ज्ञान मुझे मिल चुका है ओके तो मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ आपके लिए पाइल नंबर टू मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी वो आप किसी किसी की अवेकनिंग भी हो चुकी है और वो शायद वो वो जर्नी भी कंप्लीट हुई है यहाँ पर ठीक है आप मतलब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे की तरफ निकल चुके हो क्योंकि यहाँ पर ये टाइगर टाइगर एक सिंबल होता है स्पिरिचुअलिटी का आध्यात्मिक यात्रा का ठीक है क्योंकि ये बहुत अलग ही है ये एनर्जीज़ टाइगर की क्योंकि आप आध्यात्मिक यात्रा में हो आपकी जर्नी यहाँ पर शुरू हुई है पाइल नंबर स्टार ये पाइल टू में पाइल वन में भी था ये कार्ड ओके okay. oh. राधे 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 जय श्री कृष्ण ये चौक्रोस यहाँ पर देखो आपको ईश्वर की प्राप्ति सबसे पहले तो मैं ये बताऊ आपको कि आपने कहते ना कि जब तक हम हम खुद खड़े नहीं होते हैं किसी भी काम के लिए या किसी एनर्जी से या मानो आप एक कुछ कहीं फंसे हुए हो कहीं चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो स्टक हो पूरी तरीके से दिमाग काम नहीं कर रहा दिमाग घूम रहा है या क्या करना है क्या नहीं करना है यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर आपने क्या करा सबसे पहले तो वो आपने है ना अपना एक रास्ता खुद बनाया यहाँ पर ठीक है जब हम एक अपना खुद का रास्ता बना लेते हैं ना तो उसमें है ना अपने आप ऑटोमेटिक उसके ऊपर चलने की हिम्मत भी आ जाती है यहाँ पर ठीक है एक एक हमारा जो एक दिमाग होता है ना ये सबसे अहम रोल निभाता है तो यहाँ पर आप पाइल नंबर टू के आपने है ना आपको ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी मैं यहाँ पर किस रूप में आपको प्राप्त होंगे तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ बता दूँ कि जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर विश्वास करोगे जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर फेद करोगे उतनी ही आप अपनी जर्नी में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे मुझे ऐसा लग रहा है पायल नंबर टू कि अभी तक आपने शायद कभी अपने आप पे ऊपर विश्वास ही नहीं करा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हमेशा हमेशा दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़ती रही दूसरों के दूसरा कोई कुछ बता देगा एडवाइस दे देगा तो बस उसी के ऊपर चल लेना उसी के ऊपर निकल देना और जो आप चाहते हो वो आपको कभी मिला ही नहीं ठीक है एक कहते हैं ना कि वो जो कुछ था ना आपकी तरफ तो आ रहा था वो दूसरों का दिया ही आ रहा था अभी तक और ऐसा भी नहीं है कि कोई एडवाइस आ रही है तो वो किसी अच्छे पर्सन की या बहुत बड़े ज्ञानी या महात्मा की आ रही है यहाँ पर नहीं वो नहीं है यहाँ पर ठीक है लेकिन जब यहाँ पर आपने एक जब डिसीजन लेते कि इस प्रॉब्लम से तो कोई दूसरा हमें नहीं निकल हमें खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा हमें खुद को अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा हमें खुद को इस पपंचर से इस इस जहां हम फंसे हुए इससे निकलने के लिए हमें खुद ही अपने अपनी अपनी स्ट्रेंथ को यहां पर बढ़ाना पड़ेगा पायल नंबर वन आपके अंदर बहुत मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि सबसे पहले तो आपका है ना अभी तक आप शायद क्यों अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पार पा रहे थे एक डर था एक फियर था बिल्कुल आप समझ नहीं पाते थे चीज़ों को या देख नहीं पाते थे तो आप और दूसरा ये कि आपका रूट चक्र ब्लॉक था ठीक है जिसकी वजह से आपके अंदर डर रहता है फियर रहता है स्टेबिलिटी नहीं होती ना दिमाग काम करता है ना दिल काम करता है ओके तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं अपने आप को समझेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता है तो आपने क्या करा है कि सबसे पहले तो आपने अपने ऊपर विश्वास करना स्टार्ट करा सेल्फ लव यहाँ पर करना स्टार्ट करा और मेहनत करनी यहाँ पर स्टार्ट करी है मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी ने आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कहते ना उल्टा लटका देना उल्टा लटका देना मिस आ, किसी के कोई पर्सन जब हमारी तरफ ऐसे बहुत ज़्यादा स्पीड से किसी नेगेटिविटी कह लो या गुस्से में कह लो या कुछ ऐसी एनर्जीस हमारी तरफ आ जाती हैं जिसकी वजह से हम आ, मतलब ना चाहते हुए भी किसी एक दूसरी एनर्जीज में चले जाते ओके okay, तो यहाँ पर जब जब हम बहुत जब वो कहते हैं ना पानी सर के ऊपर से बह जाना ठीक है मुझे ऐसा लग रहा था कि एक एक लास्ट स्टेज आपकी ऐसी आई होगी कि जहां पर कहते हैं ना कि अब तो करो या मरो वो वाली तो आपने करना बेहतर समझा ओके कहते हैं ना कि अब मुझे अब इस पवनचर में नहीं मुझे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है और आपने बहुत मेहनत इतनी मेहनत शायद कि आपने है ना शायद ये आ, जो मैं कहूँ अपने आप कि आप है ना ये हैंगमैन एंड ये एट टॉप सोर्स ये दोनों बहुत नेगेटिव कार्ड्स हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक मैं आपको एक बार बताऊँ कि लेकिन इस हैंग मैन को अभी मैं बहुत पॉजिटिविटी के लिए इंट्यूशन मेरा बता रहा है कि आपने इस जब हम अपने ऊपर अपने सेल्फ लव करते कॉन्फिडेंस हमारे अंदर हाई हो जाता है और अपने ऊपर विश्वास करने लगते हैं तो हम पहले क्या करते हैं हम पहले सबसे पहले तो पीस में जाते हैं हम शांति में जाते हैं एक एक ऐसा एक ऐसी जगह हम चूज कर लेते हैं जहां पर एक्चुअल में हमें समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है क्या है ऐसा जरिया जिसे हम अपनी लाइफ को आनंदित और जो हम चाहते हैं उस चीज को हम अचीव यहाँ पर कर सके तो यहाँ पर वही सारी चीजें मैं देख रही हूँ आपकी कि आपने ना खुद को एक ऐसी एनर्जी में लेके गए हो आप जहां पर आपको ऐसा फील हुआ होगा कि शायद ये सब चीज़ें मुझे पहले क्यों नहीं प्राप्त हुई या पहले क्यों नहीं मुझे पता चला इन सब चीज़ों का क्यों क्योंकि यहाँ पर आप है ना अभी तक आप अपने ऊपर अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे थे अपनी आ, अपने आप को नहीं पहचान रहे थे तो जब आपने शायद अपने ऊपर विश्वास करा अपने ऊपर मेहनत करी एक कहते ना कर्मा कर्म करना कर्मों में आपकी बहुत सच्चाई थी बहुत प्योरिटी थी जो भी आप कुछ कर रहे थे ना पाइल नंबर वन बहुत ईमानदारी से कर रहे थे बहुत सच्चाई से आप कर रहे थे बहुत लगन से आप कर रहे थे यहां पर, ठीक है, और मेहनत कर रहे थे मेहनत कर रहे थे आप अपने आप को तैयार करने में ठीक है क्योंकि क्योंकि आप आप ऐसा तैयार करना चाहते थे आप अपने आप को कि ना किसी की म, मुझे हेल्प की जरूरत है ना किसी की गाइडलाइंस की जरूरत है बस अकेले ही लगे हुए रहना अकेले ही मेहनत करना और अपने लिए कुछ नया क्रिएट करना अपने लिए कुछ बनाना तो ये जब हम अपने लिए कर्मा अपना खुद का कर्मा क्रिएट करते हैं ठीक है तो वहाँ पर क्या होता है ना एक मैं यहाँ पर ये बता दूँ आपको कि यही आपकी यही आपको भगवान की तरफ लेके जा रहा था क्यों क्योंकि आप ना बहुत ईमानदारी थी आपके अंदर बहुत सच्चाई थी आपके अंदर फंसे हुए तो वो बात अलग थी लेकिन जिस जिस अंदाज से आप अपने अपने आप को खड़ा कर रहे थे फिर से मेहनत कर रहे थे क्योंकि आपके अंदर बहुत प्योरिटी बहुत सच्चाई जो कुछ कर रहे थे प्योर इंटेंशन के साथ आप कर रहे थे तो वो जो कहते हैं ना कि जो आपकी आपका कर्मा आपकी मेहनत वो ईश्वर तक पहुंची है वो ईश्वर से टच हुई है आपकी ठीक है और वहीं से आपके रास्ते खुले हैं वहीं से आप ईश्वर से जुड़ पाए हो क्यों क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि आप है ना ना कुछ चीजें समझ में आती थी ना दिखाई देती थी क्लियरिटी नहीं थी ना कुछ अता पता नहीं था लेकिन जैसे जैसे आपने आ, एक अपने आप को फिर से कहते हैं ना अपने ऊपर विश्वास करा सेल्फ लव करा मेहनत कर रहे हो दिन रात मेहनत करी और बहुत सच्चाई से तो वो आपकी मेहनत आपकी मेहनत के जरिए जो आपने प्राप्त करा उसी में ही आपकी ईश्वर की प्राप्ति कर्मों आपके कर्मों में ठीक है आपके कर्मों में यहाँ पर और जो कुछ आप करते थे ना वो ईश्वर देखता था आपका उसको सब पता है कि एक टाइम पे आप कैसे थे ठीक है बहुत बहुत आपने शायद ऐसा भी फेस करा है इमोशनली हर्ट भी हुए हो हु, आप मेंटली डिस्टर्ब भी हुए हो हु, आप किसी की आ, किसी की आ, बातों ने आपको बहुत ज़्यादा छली भी किया होगा और बहुत मतलब वो कहते हैं ना कि हर तरह से फंस जाना और जब हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं अपने ऊपर सेल्फ लव करते हैं अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं अंतरात्मा को सुनते हैं तब वहाँ पर एक प्योरिटी के साथ सच्चाई के साथ हम किसी काम को करते हैं ठीक है तो वही ईश्वर वो सक्सेस जब मिली ना आपको सक्सेस सफलता वो उसी रूप में आपको ईश्वर की भी प्राप्ति हुई ओके जो आपको अभी सफलता मिल रही है ना वो ईश्वर की ही कृपा से आपको मिली है और प्लस आपकी मेहनत से ओके मैं यहां पर वो से देखूंगी आपके लिए थैंक यू जो भी आपने किया ना बहुत प्योर इंटेंशन के साथ करा है बहुत कुछ कहते हैं ना फिर से एक जज्बा दिखाया एक स्ट्रेंथ बहुत थी आपके अंदर तो वो जो कर्मा किया है ना वो कर्मा ही आपको आपका ईश्वर है उसी रूप में आपको ईश्वर की प्राप्ति हुई है कहते हैं ना सक्सेस मिल जाती है तो हमें सब कुछ मिल जाता क्रिएटिविटी यस पाइल नंबर टू आपके अंदर मैं एक बार बताऊं कि जब हम अपने ऊपर मेहनत मेहनत कहाँ करी आपने अपने ऊपर आप अपने ऊपर कैसे क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव हो ठीक है आपने मेहनत करी कि आपको कुछ पता चला होगा शायद आपने जब अपने ऊपर मेहनत करिए अपने चक्रास के ऊपर मेडिटेशन ध्यान योगा और मतलब कुछ हाथों से कुछ किया होगा शायद आपने आ, आपके हाथों में आ, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो हाथों से ही ये दोनों है मुझे ऐसा लग रहा है ना आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हो और बहुत आसानी से हर चीज़ को बैलेंस भी कर सकते हो यहाँ पर ठीक है आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ एक आ, एक टाइम पे आपने जिस काम को आपने बोल दिया कि मुझे ये काम करना है उसे कंप्लीट करके भी छोड़ते हो गए आपके आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है तरह तरह के आप और जिस काम को भी आप पकड़ते हो उसमें आपको हंड्रेड एंड वन परसेंट आपको सक्सेस भी मिलती होगी ठीक है नहीं मिलेगी तो ये फ्यूचर का है जो मिलेगी आपको यहाँ पर क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है मतलब यहाँ पर अभी तक की एनर्जीज का तो पास्ट में तो मुझे कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा आपका लेकिन फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आपका कि आप अपनी क्रिएटिविटी से आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी आप बहुत कुछ यहाँ पर कर सकते हो ठीक है आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है और आ, या तो आप पेंटर हो सकते हो राइटर हो सकते हो या कुछ आप अपना खुद भी क्रिएट यहाँ पर कर सकते हो और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप आ, इमेज जैसे सीनरी बनाना या ऑयल पेंटिंग बनाना या सैंड आ, पेंटिंग बनाना बहुत पेंटिंग होती बहुत तरह की यहाँ पर तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो इजीली, क्योंकि क्रिएटिविटी अब क्रिएटिविटी हमारी कहीं पर भी निकल सकती है ओके सिंगिंग uh, में डांसिंग में बहुत कुछ आपके अंदर यहाँ पर था तो उस चीज़ में आपको आपने अपने ऊपर मेहनत करी और आपको सक्सेस भी मिली और जो सक्सेस हमें मिलती है ना वही वही एक्चुअल में वही ईश्वर की हमें प्राप्ति होती है देखो ये यहाँ पर वो चीज़ें नहीं आ रही है कि हाँ एक्चुअल में हम ईश्वर हमारे सामने आएगा या हमें प्राप्त होगा या फील होगा ईश्वर जब हम कहीं पर भी अपनी एनर्जी को लगाते हैं अब वो एनर्जी आपकी भक्ति में लग जाए या तस्वीरों के सामने बैठने में लग जाए या अपने काम में लग जाए ध्यान अपना कहीं पर भी लगा दो जब ध्यान कहीं पर भी आपने लगा दिया ना पायल नंबर वन वही ईश्वर है वही अगर आपने कुछ प्राप्त कर लिया मतलब जहां पर भी सक्सेस ले ली आपने वही ईश्वर को प्राप्त भी कर लिया आपने और ये इंटेंशन आपकी प्योर थी इसलिए मैं बता रही हूँ इंटेंशन प्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए आपको सक्सेस भी मिली है पाइल नंबर ओके, एडवेंचर यस अकेले जो मैं बोल रही हूँ ना देख रही हो आप इस पेपी को अकेली है ये निकल पड़ी है अकेली इसको पता है इसको विश्वास है अपने ऊपर इसे नहीं पता है कि ये आ, इसमें इसको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी या मैं कहाँ जा रहा हूँ या कोई मेरा सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा बस निकल चुका है निकल चुकी है ठीक है और इसे पूरा विश्वास है कि मुझे सफलता सक्सेस जरूर मिलेगी और जब हम अपने ऊपर विश्वास कर लेते थे कहीं ना कहीं हम अपने परमात्मा हम अपने ईश्वर के ऊपर भी विश्वास कर लेते ओके तो ये विश्वास ये विश्वास ने आपको आपके ईश्वर से मिलाया है ओके वन कार्ड और लूंगी मैं क्रिएटर यस और क्या बोलूं मैं बताऊं आपको क्या बोलूं ये क्रिएटिविटी एंड क्रिएटर यस आप है ना आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है इतनी क्रिएटिविटी कि आप जो चाहो वो आप कर सकते हो आप हाथों से कुछ भी कर सकते हो आपके हाथों में बहुत कुछ यहां पर और हाथों में नहीं आपके माइंड में भी बहुत कुछ है। आपको बहुत पॉजिटिव थॉट्स आते होंगे तरह तरह के आइडियाज आते होंगे बैठे बैठे कुछ भी आपके अंदर कुछ भी ऐसा लगता होगा कि ये भी करना है वो भी करना है लेकिन शायद आपके शायद टाइम की शायद आप बहुत बिजी रहते हो शायद बिजी तो शेड्यूल की वजह से आप शायद अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हो ठीक है तो ये जब कहते हैं ना कि आपने ध्यान है ना कहाँ लगाया आपने ध्यान अपने ऊपर लगा दिया अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगा दिया अब वो ध्यान देखो कहीं पे भी लग सकता है ध्यान मेडिटेशन में भी लग सकता है ध्यान मेडिटेशन का ना एक गड्ढा भी खोद रहे हो ना कुछ भी काम करो हाँ ध्यान लगा दिया ना वही ईश्वर है मेरी बातें बड़ी अजीब लग रही होंगी पर सच्चाई है ये ओके तो यहाँ पर बहुत बड़े क्रिएटर हो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो आसानी से आप बहुत क्रिएटिविटी है आपके अंदर यहाँ पर कुछ बड़ा क्रिएट करना है आपको ओके so okay, काली मा फेसिंग फियर माय गॉड पाइल नंबर भाई पाइल नंबर टू आपके ऊपर तो आप तो बहुत ज्यादा हो ये मतलब इतनी एक प्योरिटी एक सच्चाई प्योर इंटेंशन के साथ आपने जो काम किया है और आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है इसी वजह से आपने इतनी आ, कुछ बड़ा तो आपने अचीव किया है यहाँ पर पाइल नंबर टू नहीं किया तो करोगे आप लाइफ में।, में मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर टू फियर सो यहाँ पर देखो काली माँ आपको बोल रही हैं कि आपको अब आगे भी कुछ करोगे या आगे कुछ करने वाले हो तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो ठीक है आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है ठीक है आपके जो आ, आपकी आ, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपके बहुत सारे चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में ओके और वो चेंजेस से आपको डरने की जरूरत नहीं है काली मैं आपको यहाँ पर यही बोल रही हैं कि जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आते चले जाएंगे हमेशा वो आपके साथ में खड़ी हुई हैं और चेंजेस हमेशा आते ही इसीलिए हैं क्योंकि कुछ बदलाव होने होते हैं ठीक है थीके? उन बदलावों से आपको न डरना है न पीछे की तरफ हटना है यहाँ पर जो भी डर है जो भी फियर है उन्हें फ़ेस करो और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो ठीक है उनका बहुत असीम कृपा है आपके ऊपर यहाँ पर ठीक है और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने ऊपर अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर यस यह इंटन को जो मैं बता रही थी यहाँ पर काली माँ आपको है ना ड्रीम्स के थ्रू या बहुत सारे ड्रीम्स भी आते होंगे आपको मेडिटेशन ध्यान वगैरह वहाँ पर आपको काली माँ बहुत कुछ वहाँ पर मैसेज भी दे सकती हैं ठीक है थीके? आपको इंट्यूशन इंट्यूशन uh, पे अपनी अंतरात्मा उसको फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है ठीक है डरना नहीं है काली माँ आपके साथ में है यहाँ पर इस उन्हीं की वजह से आप इतने यहाँ पर आ, आप अपनी आ, जो मेरा रीडिंग का थीम भी यही था पाइल नंबर टू कि आपको ईश्वर किस रूप में यहाँ पर आपको है ना काली माँ यस आप आपके अंदर जो स्ट्रेंथ आई है ना ये जो मैं यहाँ पर ये बता रही थी टाइगर एक स्ट्रेंथ ये काली माँ है ठीक है बहुत विकराल रूप होता है उनका जब वो अपने रूप में आती हैं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है शायद उस रूप से आप डरते हो तो काली माँ यहाँ पर बोल रही है, डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चे मुझे पता है कि आप किस रूप में मुझे यहाँ पर पसंद करते हो मैं इसी रूप में आपके सामने आती हूँ यहाँ पर ठीक है और आपका फेस है ना बहुत चार्मिंग है बहुत प्यारे हो आप यहाँ पर और मुझे यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है कि बहुत कुछ आगे भी बहुत अच्छा हो सकता है आपके साथ यहाँ पर ठीक है और आपको ईश्वर की प्राप्ति है आपको काली माँ की काली माँ का आशीर्वाद प्राप्त है आपकी उन आपके ऊपर असीम कृपा है काली माँ की ठीक है मैं वन कार्ड और लूँगी और कृष्णा के कार्ड लेके रीडिंग को एंड करती हूँ वाव लाइट एक्टिवेशन माय गॉड संत कुमार आप रे बस आप है ना एक आ, लाइट वर्कर हो आप है ना आपकी आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है आपको मतलब बोला यही जा रहा है कि आपको सिर्फ आ, आप आगे की तरफ बढ़ो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी दी गई हैं आपके हाथ में या आप आपके हाथों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है आप बहुत ज़्यादा अपने आप को शाइन करो यहाँ पर और ज़्यादा थोड़ा सा मेडिटेशन ध्यान योगा करने की ज़रूरत है आपको ठीक है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ज्ञान है तो उस ज्ञान को आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है अपने थॉट्स के थ्रू ठीक है अपने आप को जो भी आप कर रहे हो उसको क्लियरली करो ठीक है तो यहाँ पर आपके लिए यही बोला जा रहा है फाइल टू मैं लेती हूँ यहाँ पर कृष्णा कार्ड आपके लिए थैंक यू यूं जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा ओके मेडिटेशन ब्रिंग्स ट्रू हैप्पीनेस यस आपके लिए बोला ये जा रहा है कि आपको ईश्वर की प्राप्ति मेडिटेशन ध्यान योगा और जितना ज़्यादा आप अपने अपने कर्म में शुद्धि रखोगे प्योरिटी रखोगे सच्चाई रखोगे वही एक्चुअल में वही ईश्वर की प्राप्ति होती है ठीक है जहाँ पर देखो सच्चाई आ जाती है ना सच्चाई इंटेंशन प्योर आ जाती है वही ईश्वर का वही वास है जरूरी नहीं है कि हम रात दिन पूजा पाठ में लगे रहें बस अपना मन पवित्र होना चाहिए अपने अंदर सच्चाई होनी चाहिए वही ईश्वर है यहाँ पर और वही सबसे ज्यादा आपको खुशी भी देगा ठीक है वही अंदर की खुशी ही आपकी वही है ओके लेकिन यादें आपको परेशान नहीं करती हैं। जब आप कृष्णा से प्यार करते हैं कृष्णा के साथ आप सबसे पुरानी यादों को भूल जाएंगे यहाँ पर कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरी है जिससे आपका दिल दुखे है किसी ने कुछ बोला है तो आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो परेशान करती हैं तो आपको बोला यही जा रहा है कि आपको वो आप आपके लिए कृष्णा जी बैठे हैं आप उनसे शेयर करो यहाँ पर जब आप अपने आप को उनके समर्पित कर दोगे वो वो सब जो यादें आपको परेशान करती हर्ट करती वो तुरंत आप भूल जाओगे ठीक है उन यादों को भूलना भी पड़ेगा क्योंकि कृष्णा की एनर्जीज ऐसी हो जाती है आप कृष्णा से जुड़ने के लिए भी बोला जा रहा है आपको शायद जुड़े भी हो आप यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर सभी स्प्रिशल हैं ठीक है तो पाइल नंबर टू मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ आई होप आप से हो। अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट, एंड सब्सक्राइब थैंक यू थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा एंड राधे राधे जय काली माँ